Hi, Assalamualaikum. You are watching We Care Presents Gupshup with RJ Rafiq. इस शो में हम बात करेंगे कश्मीर के आर्टिस्ट के साथ, उनको बुलाएंगे, मुलाकात करेंगे. अगर कहाँ नाराजगी आज स्विच करो दूर. सब बाकी क्या है ना कि ये बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल. लेकिन आज के गपशप में वी हैव विद अस द रंसर ऑफ कश्मीर. यस शाफिया, वेलकम. थैंक यू रफीक. गपशप में आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी गपशप होने वाली है. बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जब भी मैं आपके साथ कोई भी शो करती हूँ, कोई भी इवेंट होता है, तो काफ़ी एनर्जीफुल होता है. सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट. ऑलराइट, सो शाफिया, आपको पता है कि ये जो गपशप हमारी है, अगर ये मसालेदार और मज़ेदार होगी ना, मुझे पता है आपको जो चीज़ मिलने वाली है ना, उस पर आपकी नज़र है पहले से. क्या है वो? वी केयर का हैम्पर. यस, सो ये वी केयर का हैम्पर आप ही को मिलने वाला है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो रैपिड फायर राउंड है वो थोड़ा रैपिड एंड थोड़ा फायर से भरा हुआ हो, ठीक है? लेकिन शुरू हम लोग यहाँ से कर रहे हैं. मुझे बताएं आप कि अभी आप कमर्शियल हब में हैं, बहुत सारे लोग आपको बुलाते हैं काम के लिए, बढ़िया तारीफ चल रही है आपको. सबसे पहले मुबारक हो इसके लिए. बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं बेसिकली, क्योंकि अभी आपका नाम पहले लिया जाता है यंग जनरेशन में, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ज़रूरी जानूँ कि बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं. क्या आपको लगता है जिस तरह से अभी आप काम करते हैं, ऐसे ही उन लोगों का स्कोप है इस लाइन में? सी, पहले आपने बोला मेरा नाम पहले लिया जाता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत इज्जत की बात है. और जो आप स्कोप की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी स्कोप है. मैं खुद ट्राई कर रही थी काफ़ी टाइम से कि एक वे मिले आर्टिस्ट को जहाँ पे वो अपना काम शोकेस करे, अपना काम सेल करे. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक वो सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट आ रहे हैं बाहर, अपना काम बेच रहे, अपना काम दिखा रहे. तो डेफिनेटली स्कोप है. अब ये एक चीज़ है जो मैं, जो मेरी स्पेशलिटी है, मैं म्यूरल्स करती हूँ. अभी कोई लड़की नहीं कर रही है, तो आई रियली फील कि कोई लड़की होनी चाहिए जो आगे इस ट्रेंड में या इस फील्ड में आगे जाए, जो म्यूरल्स करे. बहुत मेहनत का काम है. जी, काफ़ी मेहनत का. मतलब मुझे लगता है मैं मजदूरी कर रही होती हूँ. सो मतलब मैं पूरा दिन काम करती हूँ, और ये मतलब बोलना सही भी रहेगा कि मैं लगभग दिन में 7-8 घंटे भी काम करती हूँ विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. बस मैं स्नैक्स वगैरह लेती हूँ, और मैं खाना भी नहीं लेती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ, क्योंकि वो खाने से थोड़ा लेथर्जिक लगता है. सो मैं खाना अवॉइड करती हूँ. सो पूरा दिन काम होता है, और मुझे टाइम का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता है कि कब आता है कब जाता है. मेरे टाइम का कोई यही नहीं होता. ओके, सो शाफिया, हाउ इम्पोर्टेंट इज क्रिएटिविटी? क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. यू नो, आप सोशल मीडिया पर जाके देख लेंगे, पेजेस वॉल्स हर जगह भरे होते हैं. लेकिन हम लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट्स गुड कि वो बाहर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा मुझे वो बदलने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को. सो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्रिएटिविटी कितनी ज़रूरी है आपके काम में? सी, क्रिएटिविटी पे ही काम डिपेंड है. जो हमारा काम है, ये मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी पे ही डिपेंड है. आप किसी का काम कॉपी करेंगे, उसको आप काम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किसी और का काम है. आप जो अपने दिमाग से करेंगे, अपने दिल से करेंगे, ये काम पहले दिल से होता है, इसमें दिमाग का कोई ये नहीं होता है. बट जो भी आप अपने दिल से करेंगे, वो आपका काम है, और वो आप हक से बोल सकते हैं कि मेरा काम है. किसी और के काम को अपना नाम देना, वो सही है भी नहीं, और वो होना भी नहीं चाहिए. और उस चीज़ से मुझे नहीं लगता है आपकी क्रिएटिविटी है जो है वो एनहांस हो जाएगी. आपकी क्रिएटिविटी बस इसी चीज़ से बाहर आएगी कि आप खुद को आगे लेके, अपने आइडियाज़ को आगे लेके आए. हालांकि हमने देखा ये बड़ा वायरल चल रहा है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आई सोशल मीडिया पर. देखते हैं तो बवाल है जी कि मेरा काम इसने चोरी किया है. सो ये बहुत वक्त से आ रहा है. तो अब तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस पर बहुत वोकल हैं, इस पर बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा है. एंड आप भी इसके बारे में राय रख रही हैं, बात कर रही हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा. एंड अब देख रहे हैं आपकी सोशल मीडिया जो है, ये अभी सबसे बड़ा मार्केट है आपके लिए, क्योंकि आप जा रहे हैं अपना काम वहीं पर शोकेस करते हैं, और लोग आते हैं उस काम को लेकर के सीधा आपको हायर करते हैं. सो कितना बैकलैश भी सोशल मीडिया पर होता है सीधा काम करके, आपका इंटेंशन कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत सारे लोग परेशान हैं सोशल मीडिया की वजह से, जिन्होंने जो अच्छा काम करते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है. नहीं, आई एग्री. काफ़ी ज़्यादा अभी देखिए क्या है, अभी काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ गई है लोगों में. वो मुझे समझ नहीं आता उसका रीज़न क्या है, बट लोगों में काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ गई है. एक ये चीज़ भी है कि जेलस फील करता है किसी को, खुद में वो नेगेटिविटी होती है, वही बाहर आती है. बट वो एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ से हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए. ये बहुत मुश्किल होता है खुद को समझाना ये चीज़, कि इस चीज़ से डिस्करेज ना हो और अपना काम आगे लेके जाए.
बट काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को इतना दिल पे लेते हैं कि वो अपना काम छोड़ देते हैं। मैं भी उनमें से एक रही हूँ कभी, बट इसको काफ़ी ओवरकम करना चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि आप पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दें। और मेरे फ्रेंड्स जो है हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि आप पॉजिटिव चीज़ों को ही देखिए। अब मैंने एक चीज़ की है, मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ना बंद किया है। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा। तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स भी करते हैं। सो वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, और हर किसी के लिए वही मैटर करना चाहिए। तो पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। Hi, I'm in conversation with Shafia Shafi. You are watching VK Presents Gupshup with RJ Rafiq. So, सब लोग इंतजार कर रहे हैं. In fact, Shafia भी इंतजार कर रही है कि यार ये VK का जो gift hamper है इन्हें कब मिलेगा. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि we have this round. It's rapid and fiery. It's called rapid fire round with RJ Rafiq. So, इस rapid fire round में अगर ये मजेदार रहा, तो ये जो gift hamper है, ये शाफिया को मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। तो उतना रैपिड फायरी मतलब फटाक से मेरे को नहीं चाहिए जवाब, थोड़ा सा मतलब आप इसके बारे में आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है? सो क्या आप अपने दोस्तों के साथ चैट करते हुए कॉन्वर्सेशंस के स्क्रीनशॉट्स लेते हैं? स्क्रीनशॉट्स मैं आपको बताती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ, लेकिन सिर्फ उस टाइम जब मुझे किसी को मैसेजेस फॉरवर्ड करनी होती है, मतलब काम की मैसेजेस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी की मैसेजेस किसी को फॉरवर्ड करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, स्क्रीनशॉट मैं तब लेती हूँ जब मुझे लगता है कि मुझे कोई फेक अकाउंट ऑर्डर कर रहा है, तो तब मैं स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ ताकि कल को वो कुछ क्लेम ना करे, सेफ साइड रहने के लिए। बढ़िया बढ़िया। कोई भी वर्ड जो आपके दिमाग में पहले आ रहा है इस वक्त बताएं। ऑनेस्टी। अरे वाह, कैसे कनेक्ट हो गया ऑनेस्टी अभी इस माहौल के साथ? आई डोंट नो, आ गया ऐसे, बड़े बड़ी अच्छी बात है। खराटे मारते हैं आप रात पर? खराटे नहीं। सच्ची बता रहा है? कोई बात नहीं, हम वायरल नहीं करते हैं। नहीं, खराटे नहीं मारती। पक्का? मैं खुद आप मैं बहुत इंसोमनियक हूँ, मैं सोती ही नहीं हूँ रात भर, लेकिन अब कुछ टाइम से थोड़ा ना वो स्लीप पैटर्न सुधर गए हैं, अभी थोड़ी नींद आती है, बट मैं रात भर ऐसे ही जाग रही होती हूँ, तो मुझे कभी 2 बजे भी 3 बजे भी नींद आती है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। वो मैं आपको आइडिया बोलती हूँ उसका क्या रीजन है, मुझे क्यों नींद आती है। okay. क्योंकि मुझे आइडियाज आ रहे होते हैं, मतलब मैं बहुत इमेजिनेटिव हूँ, तो मुझे मैं इमेजिन कर रही होती हूँ मुझे ये पेंट करना है, ये पेंट करना है, तो उस वजह से मुझे नींद नहीं आती है। क्या बात है, वाह, जवाब बढ़िया है। अच्छा, कोई ऐसी यू नो कोई ऐसी आपकी आदत जिसे आपको बहुत नफरत हो, हालांकि वो आप ही की आदत है, बट आप बहुत आदतें ऐसी हैं जी। पहली मैं आपको लिस्ट देती हूँ, पहली मैं ओवरथिंक करती हूँ, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ, जो मतलब नॉर्मल नहीं है। ध्यान से सुनना आप इस बात को, नॉर्मल नहीं है उतना ओवरथिंक करना। ओके। और मेरा रूम बहुत मैसी होता है। हाँ, ऑब्वियसली आपका बहुत सारा काम, यू नो, वर्क एंड ऑल, सो वो चीज है। एंड आई ईट अ लॉट। माशाल्लाह। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं कुछ पल के लिए, ये सबसे ब्रेक लेकर के थोड़ा सा शांति? लद्दाख। लद्दाख इज माय ड्रीम प्लेस। अभी तक नहीं गए? कभी नहीं। ओके, आप जाना चाहते हैं? वो पीसफुल लगता है मुझे, पिक्चर्स में देखा हुआ है। ओके। सो काफी पीसफुल लगता है क्योंकि वहाँ कोई होता नहीं है, जहाँ पे जो भी ट्रेवल के लिए जाते हैं वहाँ मैंने देखा उनकी पिक्चर्स में आसपास कोई होता नहीं है, तो वहाँ जाना। चलो, हम लोग दुआ करेंगे कि कोविड जल्दी से खत्म हो जाए, सो आपका ये ड्रीम भी पूरा हो जाए। नाउ, व्हाट डू यू प्रेफर, टेक्स्टिंग और कॉलिंग?
टेक्स्टिंग, ऑलवेज टेक्स्टिंग, प्लीज डोंट कॉल मी, कोई भी सुन रहा है मुझे कॉल मत किया कर। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप। डेलिबरेटली मैं नहीं उठाती हूँ फोन कभी, अगर कोई सुन रहा है प्लीज मुझे टेक्स्ट किया करें। ओके, सो एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिस इज आखिरी चीज जो आपने मोबाइल फोन के इंटरनेट से डाउनलोड की है। मोबाइल फोन के इंटरनेट से डाउनलोड की नहीं, मतलब यार ये आपने किया है, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं आपको क्यों तो दे भी नहीं सकता। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या डाउनलोड किया, मुझे लगता है मैंने कोई इमेज डाउनलोड की होगी। अच्छा पक्का? चले ओके, सो आपका पीसफुल टाइम कौन सा है, मॉर्निंग या इवनिंग? पीसफुल टाइम वुड बी इवनिंग, क्योंकि मैं ज्यादातर पेंट वगैरह इवनिंग में करती हूँ, तो मुझे लगता है मतलब वो मी टाइम होता है, मैं म्यूजिक सुनती हूँ, मैं पेंट करती हूँ, तो वो मेरा पीसफुल टाइम होता है। वाओ, ओके, आपके काम की वजह से यू नो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं एंड बेस्ट बेस्ट, एंड ये मुझे बताइए कि बड़े अच्छे भी और बड़े वर्स्ट भी नाम मिलते हैं काम की वजह से, खूबसूरत सा नाम और ऐसा नाम, अरे हटाओ यार ये क्या बोल दिया क्या मिला, कौन कौन सा नाम ऐसा था? पहला तो जो सबसे अच्छा नाम है वो आप ही ने मुझे दिया है, रंगसर के नाम से जो आपने मुझे बुलाया, मतलब आप सब लोग मुझे रंगसर ही बुलाते हैं, उनका भी मैं DM भी चेक करती हूँ तो मुझे मैसेजेस आई होती है रंगसर छवा रहे काफी, हाँ जुबान पर बैठी है वो। और वर्स्ट वर्स्ट नाम तो मुझे काफी ख्याल आते हैं, डेथ के काफी ख्याल आते हैं और मतलब बहुत रिपीटेड आते हैं और मुझे, मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ उस चीज से, लाइक डाइंग मुझे लगता है कि जब जब मैं मर जाऊंगी जो मेरे इर्द गिर्द लोग होंगे वो कैसा फील करेंगे उस फीलिंग से मुझे बहुत, मतलब वो फोबिक हो गई हूँ मैं उस चीज़ से। अब इस बारे में ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आसपास के जो लोग हैं, आप पहले से ही अपने फ्यूचर को ऐसे देख रहे हैं, मूवी बना रहे हो, आप मूवी बना रहे हो। मैंने आपको पहले ओवरथिंक बहुत, जैसे आपने कहा, एक तो ओवरथिंक करती हूं और इमेजिनेशन मेरा बहुत तेज है तो वो मुझे बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है। क्या बात, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट। ऑलराइट सर शाफिया, ये हमारा रैपिड फायर राउंड था और कमाल के आंसर्स आपने दिए और डिटेल्ड हर जवाब के पीछे आपने एक कहानी बताई, थैंक यू सो मच। एंड सोच रहा हूं मैं कि वीकेयर का ये जो गिफ्ट हैम्पर है आपको दिया जाए क्योंकि ये जो वीकेयर का गिफ्ट हैम्पर है इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगे, अब आपकी अंदर की खूबसूरती के साथ साथ आपकी बाहर की खूबसूरती पर भी काम करते हैं वीकेयर के कमाल के प्रोडक्ट्स, सो यस आपको मिलता है ये गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू, सो वी लुक देयर, एक बार स्माइल करेंगे या अब ये जो तोहफा है ये आपको मिल रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मुझे भी काफी मजा आया और जैसा आप, जैसी आपकी पर्सनालिटी है हमेशा मजा आता है आपसे बात करके, सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग गपशप विद आरजे रफीक प्रेजेंटेड बाय वी केयर।